हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईकू Z9S की अनबॉक्स। तो रिसेंटली आईकू ने अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, आईकू Z9S प्रो और आईकू Z9S। दोनों ही स्मार्टफोन में डिफरेंस ज्यादा का नहीं है, 3 से 4 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। आईक्यू Z9S प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 और आईक्यू Z9S में देखने को मिलता है डायमेंसिटी 70। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको अमेजोन पे देखने को मिलेंगे और रिसेंटली मैंने ये परचेज भी किए हुए हैं, तो आप देख सकेंगे। तो क्विकली कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आ चुका है दोस्तों आईक्यू Z9S, जो कि आता है डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ। तो अपनी प्राइस पर एक कमाल की परफॉर्मेंस दे देता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसको बॉक्स हमने बाहर निकाल लिया है, तो काफ़ी अच्छे कलर में ये जो आ जाता है, तो पन्नी को जो है आराम से निकालते हैं। जनरली मेरी आदत है कि मैं पन्नी को बीच में से दोस्तों फाड़ना नहीं चाहता, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको आराम से निकालता हूँ। तो क्या ही कमाल का दोस्तों इसका लुक है, कर्व डिस्प्ले इसकी बहुत ही जो है अमेजिंग लगती है। तो आप देख सकते हैं, और पीछे जो है प्लास्टिक दिया हुआ है, लेकिन ये बैक ग्लास की तरह लगता है, लेकिन धोखा नहीं खाइए, ये प्लास्टिक है। और कर्व डिस्प्ले जो है काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसके बाद दोस्तों आगे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ पर हमें कुछ मिल जाते हैं स्टिकर जो कि आपको दिख रहे होंगे, तो इनको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर कुछ पुस्तकें हमें यहाँ पर मिली है, तो इन पुस्तकों का भी हम क्या ही करेंगे, तो इनको भी अलग कर देते हैं। और ये बैक कवर हमें दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं। और ये 44 वॉट का चार्जर है, जो कि ये फ़ोन 44 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये वीवो का चार्जर है, और टाइप ए टू टाइप सी केबल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और एक सिम इजेक्टर पिन भी मिलती है, नॉर्मल वाली है। तो इसको निकाल लेते हैं आराम से, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही नॉर्मल वाली सिम इजेक्टर पिन हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद हमने फ़ोन को निकाल लिया है, अब हम इसका कैमरा थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। जनरली जो कुछ हमारे पास स्टूडियो में सामान है, उसी की जो है हम फ़ोटो खींचेंगे और उसकी क्वालिटी यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले कैमरे को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को कर लिया ओपन, और फोटोग्राफी पे हमें 1x और 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि डिजिटल जूम होता है। वीडियोग्राफी में भी हमें 1x और 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और आईक्यू Z9S 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। और यहाँ पर कैमरे में भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, प्रो मोड भी यहाँ देखने को मिलता है, स्लो मोशन भी देखने को मिलता है, और कुछ AI के फीचर वगैरह भी इसमें ऐड किए हुए हैं, और नाइट मोड भी यहाँ हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो नाइट मोड में भी 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो एक फ़ोटो हम जल्दी से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और फिर हम 2x में यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ये नाइट मोड में मैंने किया है, चूँकि आर्टिफिशियल लाइट है मेरे पास। और इसके बाद हम कुछ पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो खींच के देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की एक फ़ोटो खींच लेते हैं, तो यहाँ हम इनकी क्वालिटी चेक करेंगे कि डिटेल मिलती है कि नहीं, का अच्छी फ़ोटो खींची अपने प्राइस के हिसाब से, और डिटेल भी यहाँ हमें देखने को मिलती है जूम करने में, और कलर भी काफ़ी नेचुरल। तो कलर में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम दोस्तों देखने को नहीं मिली है। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर को यहाँ टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इसे सेटअप कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अंगूठा लगा रहा हूँ। जनरली आईक्यू के फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है आईक्यू के स्मार्टफोनों में। तो यहाँ पर हम इसे सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, तो थोड़ी ही देर में ये होने वाला है, बस हो गया। मैं थोड़ा स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो बस यहाँ पर डन का ऑप्शन आ गया, और ये हमारा हो चुका है। तो यह टच करा और ये बहुत अच्छे से हो रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, इसमें मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी फास्ट है इसमें। तो ये थी दोस्तों आईक्यू Z9S की अनबॉक्सिंग। ऐसी अनबॉक्सिंग देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।